नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। खबर के लिए रुक करते हैं सबसे पहले दुमका। होटल के पांचवी मंजिल से किशोरी ने लगाई छलांग। दोस्त के नहीं आने से नाराज 17 साल के किशोर ने शनिवार को दोपहर 4 बजे चूहा बगान स्थित अशोक होटल की पांचवी मंजिल से छलांग लगा दी। छात्र देवघर के नवाडी का रहने वाला है और बंदर जोड़ी में चाचा के घर में रहकर पढ़ाई करता है। वह जिला स्कूल में 11वीं का छात्र है। किशोर की हालत खराब होने की वजह से देर शाम तक नगर थाना की पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं कर सकी थी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दुमका उपायुक्त ने कहा, तय लक्ष्य को साधने के लिए कार्य में लाए तेजी। दुमका समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में कृषि, राजस्व और मनरेगा से संचालित दीदी बाड़ी योजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त राजेश्वरी ने कहा, केसीसी ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य सरकार के स्तर से तय कर दिया गया है, इसलिए इस लक्ष्य को शीघ्र साधने की पहल हो। केसीसी ऋण 7% ब्याज दर से किसानों को देने का प्रावधान है, इसके लिए किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। टीम का घेराव करने वालों पर नहीं हो सकी कोई कार्रवाई। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के गंदरपुर में चल रहे अवैध कोयला खदानों की बोजरिंग कराने ने शुक्रवार को मौके पर गई। जिला टास्क फोर्स के अधिकारियों को 2 घंटे तक जबरन घेराव किए जाने के मामले में अब तक किसी पर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। खबर अब गोड्डा से। जाकोब अध्यक्ष व सुबोध मंत्री पद पर निर्वाचित। जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव का परिणाम शुक्रवार की देर रात आ गया था। गोड्डा के सिकटिया स्थित पुलिस केंद्र में चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना शुरू की गई। देर रात तक मतगणना पूरी होने के बाद परिणामों की घोषणा की गई। शुक्रवार को रात के लगभग 12 बजे सभी चुनाव परिणाम आ गए। सेंधमारी कर टपाई 7 लाख की संपत्ति। पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के लाठीबाड़ी गांव में पंचायत समिति सदस्य फुलचंद यादव के घर में शनिवार की पहले सुबह 3 बजे चोरों ने घर की दीवार में सेंधमारी कर तकरीबन 7 लाख की संपत्ति चुरा ली। घर में रखे तकरीबन 2.25 लाख रुपए, जेवरात और कपड़ा बर्तन आदि चोरी हुई। व्यवस्था ने मुंह मोड़ा तो गरीबी निभा रही है साथ। रात भर बहुत जाड़ा लगता है, शीतलहर चलती है तो टूटी झोपड़ी में हवा आती है। इतने पैसे नहीं है कि घर बना सके और कंबल खरीद सके, ये पीड़ा है मंगली पहाड़ी की। गोड्डा में आदिम जनजाति के सैकड़ों परिवार रहते हैं, इन्हीं में शामिल है ललमटिया थाना क्षेत्र के बड़ा कोठा गांव। यहां 50 परिवार रहते हैं, उनकी हालत दयनीय है। कई सरकारी घोषणाएं भी बनी पर निर्धनता से उनका पीछा नहीं छूटा, तंत्र ने मुंह मोड़ लिया। खबर देवघर से। झारखंड में फिर मिले 189 कोरोना पॉजिटिव, रांची में 78। झारखंड में 24 घंटे के भीतर कोविड-19 के कुल 273 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं इस अवधि में निजी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। कोरोना मरीजों की लगातार स्वस्थ होने से राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 1590 हो गए हैं। शनिवार को राज्य में 19,757 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से 189 संक्रमित पाए गए। एक बार फिर रांची में सबसे अधिक 78 नए संक्रमित मिले। संगठन को धार देने में जुटी भाजपा। 15 से संथाल प्रवास पर बाबूलाल मरंडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी 15 दिसंबर से संथाल परगना के 10 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। 23 दिसंबर तक संथाल प्रवास के दौरान वे इस प्रमंडल से जुड़े सभी जिलों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने बताया कि बाबूलाल मरंडी 15 दिसंबर को साहिबगंज, 16 को दुमका, 17 को गोड्डा, 18 को जामताड़ा, 19 को पाकुड़ और 20 को गोड्डा, 21 को देवघर, 22 को जामताड़ा और 23 दिसंबर को दुमका जिला के पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 24 दिसंबर को इनकी वापसी होगी। भाजपा विधायक रणधीर सिंह का आवास खाली कराने सुबह सुबह पुलिस टीम के साथ पहुंची मजिस्ट्रेट। देवघर के सारट के भाजपा विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह सरकारी आवास खाली करने को तैयार हो गए हैं। शनिवार सुबह उनका सरकारी आवास एफ टाइप पशुपालन भवन डोंडा को खाली कराने के लिए पुलिस के साथ पहुंची मजिस्ट्रेट शशि नीलिमा डुंगडुंग
को उन्होंने बताया कि वह सामान पैक करवा रहे हैं। 48 घंटे के अंदर वे पूरी तरह से इस सरकारी आवास को खाली कर देंगे। हालांकि वह इस बार कहते रहे कि इस तरह घर में उन्हें जाना है। वह 8 दिसंबर को ही खाली हुआ है, उसमें रंग रोगन नहीं हुआ है। खबर जामताड़ा से, झारखंड में होगा प्राइवेट एयरवेज, जामताड़ा से जल्द बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी, जानिए क्या है प्लान। झारखंड के जामताड़ा की अन्य शहरों से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से कोशिशें शुरू की गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक कृपान अंसारी ने इसको लेकर कई जरूरी पहल की है। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए विधायक शुक्रवार को कमर्शियल पायलट कैप्टन वेद बरुआ के साथ हेलीपैड के लिए जमीन का सर्वे करने पहुंचे। साथ ही उपायुक्त के बात कर जल्द से जल्द लगभग 1 किलोमीटर जमीन उपलब्ध कराने की मांग रखी है। वामपंथी दलों का जिला मुख्यालय पर धरना आज। किसान विरोधी 3 काला कानून एवं बिजली संशोधन के बिल को वापस लेने के लिए देश भर में जारी आंदोलन के समर्थन में 14 को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के तहत जामताड़ा में अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के कार्यालय के समक्ष तीनों वामपंथी पार्टियां CPIM, CPI एवं CPIML द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी CPIM जिला कमेटी सदस्य चंडीदास ने पूरी दी है। जामताड़ा गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। ATM वेरिफिकेशन के नाम से देश के कई राज्यों से ठगी करने वाले जामताड़ा के एक गिरोह के 5 आरोपितों को गुंडरदेही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने एक शिक्षक से 5 लाख से ज्यादा की ठगी की है। SHP ने विशेष टीम गठित कर थाना गुंडरदेही के जवानों को झारखंड के जिला जामताड़ा रवाना किया था। टीम ने वहां से 5 आरोपितों को धर दबोचा में सफलता हासिल की है। पर पाकुड़ से, निजी विद्यालयों को खोलने के दे अनुमति। निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को शांति मार्च निकाला। यह शांति मार्च शहर के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम से निकलकर मुख्य मार्ग होते हुए DC कार्यालय पहुंचा। उसके बाद यह झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राम रंजन सिंह, विनय सिंह एवं गैब्रियल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने DC कुलदीप चौधरी से मिलकर मांग पत्र सौंपा। पुराने वस्त्र से गरीबों को पहुंचा रहे हैं राहत। हिरनपुर के युवाओं की टोली पुराने वस्त्र का वितरण ठंड से ठिठुर है गरीब को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए वे युवा पहले घर घर जाकर लोगों से पुराने वस्त्र का संग्रह करते हैं। युवाओं के इस जज्बे की लोग सराहना कर रहे हैं। युवाओं को टोली को फोन कर उन्हें पुराने वस्त्र के संग्रह के लिए बुलाते हैं। लोक अदालत में 196 वादों का हुआ निष्पादन। वैश्विक महामारी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए पहली बार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधायक न्यायालय परिसर के न्याय सदन में शनिवार को वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। इसमें सुलह समझौता के आधार पर 196 वादों का निष्पादन किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।